बहुत अच्छी। ये देखिए दोस्तों इतना बड़ा लंबा मिल गया, लंबा वाला। हाँ लंबा वाला, एकदम लंबा वाला निकल मिल गया दोस्तों। इसको ऐसे खाना है, हालांकि बहुत ही ज्यादा गर्म है, तो गर्म को सहने के लिए मैं तैयार हूँ। गर्म है ना? गर्म लग रहा है सुबह को, मुंह देखना उसका। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अमित भाई। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ और एक नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों अभी जो हम लोग जाने वाले हैं आलू लाने के लिए, वो सुभाष और मैं जाएंगे। ओ सुभाष चलो। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं सुभाष के घर में पहुँच गया हूँ और वहाँ पे सुभाष, चलो तैयार हो जा भाई। थोड़ी देर में दिखाऊंगा आप सभी को किस तरह का आलू हम लोग लाने वाले हैं, तो आप लोग को पता चलेगा। पूरा वीडियो में बने रहिए। वो ऐसा गोल गोल वाला आलू नहीं है, एकदम लंबे लंबे वाले आलू, एकदम लकड़ी जैसा बड़े बड़े। कुत्ता कितना प्यारा है ना, डॉग लवर। अरे की भाग जाते है भाई, अपना दुम हिला रहा है। ओ सुभाष चलो। हाँ हाँ वो दाऊ ले दो, चलो चलो। ये ऐसा उतना है। तो अभी जो हम लोग पहुंच गए हैं वो आलू निकालने के लिए, ये इसका जो रूट है ना बहुत ही बड़ा होती है, अंदर में मिट्टी के अंदर में इसको कूटना पड़ता है। तो हम लोग इसको मिट्टी के अंदर में कूट के मतलब निकालेंगे। इसका जो रूट होता है ना, वो रूट वाले आलू होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एकदम लाल होके जो है वो रूट निकला है। ये जो रूट है ये आलू ही है, एकदम लंबा होके। तो सुबह से उसको निकाल रहा है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे मतलब रूट है। ये इसका जो पेड़ है ना, कट्टा कट्टा जो पेड़ है ना, इसका रूट भी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हो। तो यहाँ पे जो है आलू, अरे निकालो। तो यहाँ पे देखिए आलू बिल्कुल इस तरह होती है, तो लंबा लंबा आलू यहाँ पे देखिए। और एक मिला है हमें, ये थोड़ा छोटा है आलू। अयो ये रहा, ये दिखाता हूँ एक बार। इस तरह का जो रूट आते हैं ना, ये वाला रूट, और वहाँ में जो होता है वो आलू हो जाते हैं, बड़ा हो जाते हैं। यहाँ पे तो आलू नहीं हुआ है, ये रूट जो है थोड़ा छोटा है, ये इसीलिए यहाँ पे जो है आलू नहीं लगा है। बड़ा होना चाहिए रूट, तभी आलू हो जाता है। और यहाँ पे देखिए एक ये में हो सकते हैं आलू, तो इसको हम लोग दिखा देंगे। निकालो सुबह इसको। और ये देखिए इस तरह छोटा है लेकिन आलू। वाओ वो देखिए दो दो लेकिन। और यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे बड़ा आलू हमें ये मिला है, और उधर में भी है। वाह सुभाष बहुत अच्छी सुभाष, निकालो निकालो बहुत अच्छी। ये देखिए दोस्तों इतना बड़ा लंबा मिल गया लंबा वाला। हाँ लंबा वाला, एकदम लंबा वाला निकल गया। सबसे लंबा ये देखिए, हाफ मीटर होगा शायद ना। और यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, और एक पीस मिला है थोड़ा लंबा वाला। हाँ मजा आएगा दोस्तों खाने में इसको, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं ये आलू। इस तरह का आलू जो है ना बहुत ही अच्छे होते हैं। मिल गया दोस्तों एक, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बड़ा, उधर तक एकदम लंबा है। अयो ये देखिए राइफल, एकदम राइफल की तरह। और भी है यहाँ पे, इसको भी निकालता हूँ। तो अभी जो है हम लोग इसको सफाई करेंगे। यहाँ पे सामने एक नदी है, उसमें हम लोग ले जाके इसको इन सबको मतलब सफाई करेंगे। तो इसको अभी फिलहाल बांधने के लिए हमें रस्सी चाहिए। यहाँ पे तो रस्सी तो मिलेगा नहीं शायद, तो हमें कुछ क्रीपर से बनना चाहिए, लटा कुछ लताएँ जो है बांधने के लिए, इसको टाइट करने के लिए। मैं पहले दूर लेता हूँ यहाँ से, शायद मिल सकता है। तो मुझे मिल गया एक लटा, यहाँ पे देख सकते हैं। अभी इससे मैं टाइट करूँगा, काफ़ी लंबा है ये, बस ऑलरेडी बांध रहा है। वो तू जाता है ना इतना जल्दी, इससे बांध लो वो, उसको मतलब छिलके हम लोग बॉयल करेंगे या तो आग में जला के हम लोग इसको खाएंगे बढ़िया से बना के। चलो सुबह। हाँ हाँ
चलो एकदम प्रिमिटिव स्टाइल ना। रास्ता इधर है, चलो इधर यहाँ से। सुभाष मुझे वो दे दो बड़ा वाला, बड़ा वाला हाँ, वो खंधे में जो लिया है ना वो दे दो हमें, नहीं तो तुम्हें बहुत वेट हो जाएगा ना तुम्हारे पास। मैं इसको लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, एकदम गिरने वाला हो गया आलू, लंबे लंबे, काफ़ी वेट है ये भी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक पे मिला है एक पौधा, मतलब इससे हम लोग रस्सी निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सुभाष, कैमरा पकड़ो, मैं निकालता हूँ। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो तुम, ठीक है। ये काम मुझे आता है निकालने के लिए, पहले इसको ऐसे पूरा मारना पड़ता है, उसके बाद ऐसे 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 ऐसे। तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतना सा हो जाएगा, इतने में काफ़ी है हमें। तो रस्सी कैसे निकालता है अभी दिखाता हूँ। हाँ ये वाला, ये बहुत स्ट्रांग होती है, देखिए कितना टाइट है ना। वाह, हाथ पर दर्द दिया है, तो इसको और भी अच्छा बनाएगा हम अभी। अभी जो है इसको ऐसे करेंगे, एकदम स्मूथ बनाएंगे और भी। तो अभी जो है हम लोग नदी में पहुंचने वाला है, सामने एक नदी है, नदी में हम लोग इसको पहले सफाई करेंगे, मिट्टी जो है ना इसको मिट्टी को निकालेंगे एकदम पानी में। ओ रख दिया मैंने पानी पे, ओ सुबह इसको सफाई करो, सुबह मैं भी करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये बाहर का जो हिच्चे है ना, इसको दो लेयर होता है इसका, देखिए पहले थोड़ा हल्का होता है और अंदर का जो होता है ना वो थोड़ा टाइट भी होते हैं वो, और बड़ा भी है वो। जो खाने वाला जो है ना एकदम वो सफेद होते हैं, ये देखिए इसको ही खाते हैं। ये सम्राना इसको छिलना पड़ेगा, तो हम लोग इसको गौर में ले जाके इसको अच्छा से मतलब वो सिल के बॉयल करेंगे। ये खच्चा भी खा सकते हैं सुभाष, हाँ लेकिन खच्चा तो खाना, इसको खाना नहीं है बिल्कुल, ये खच्चा खा रहे हैं, और खच्चा खाने से पेट भी ख़राब हो सकता है, तो इसको खच्चा खाना नहीं है, तो सुभाष खा रहा है। लेकिन सुबह इतना भी मौत खाओ, ठीक है, उसको खर्चा खाना इतना ठीक नहीं हुआ शायद मेरे ख्याल से। वो बाहर का हिच्चा जो है सुबह उसको निकाल रहा है एकदम, देख सकते हैं वो दो लेयर होते हैं, हाँ रेड कलर और इसका अंदर वाला वाइट, हाँ सबसे ऊपर वाला ये होता है लेयर इसका, और बाहर का जो वो एकदम लाल होते हैं, लाल भी नहीं इतना पिंक होते हैं, गुलाबी होते हैं, गुलाबी इसको गुलाबी कह सकते हैं इसको। और का हाँ इस तरह का वो छिलने से वो बाहर का, ओ सॉरी अंदर का जो होता है ना उसको खा सकते हैं, खाते हैं, खा सकता नहीं। अभी जो है सबके सब मतलब सफाई हो चुका है, अभी इसको हम लोग फिर से टाइट करेंगे ये रस्सी से जो पहले हम लोग बन के लाए थे। एक्चुअली ना दोस्तों, हम लोग भूल गए थे कुछ एक जगह लाने के लिए, मतलब एक बैग लाने के लिए, ले जाने के लिए, तो कोई नहीं, यहाँ पे हमारे पास रस्सी है, रस्सी से हम लोग अच्छे से बांध लेंगे उसको। तो हो गया दोस्तों, अभी इसको ले जाएंगे इस तरह। चलो बस इसको भी ले लो, यहाँ भी पड़ा हुआ है, और दाव ले लो। तो अभी जो है हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, जो है आलू को वहाँ पे थांके रखा है सुबह, देख सकते हैं थक गया पूरा। क्या ये देखिए इतना लंबे लंबे है ना आलू, बहुत ही स्वीट होते हैं ये। हाँ हाँ करेंगे, खाएंगे थोड़ी देर के लिए, हम लोग रेस्ट करते हैं यहाँ पे, उसके बाद हमारे खाने की प्रोग्राम तैयारी करेंगे यहाँ पे सुबह। तो इसको हम लोग पूरा छिलके जो है पानी में बॉयल करके यहाँ पे आग जला कर बॉयल करेंगे, उसके बाद हम लोग बॉयल करके खाएंगे सुबह। इसको छिल लो, ठीक है। ये देखिए एकदम सफेद निकलते हैं, ये सेकेंड लेयर होता है, ये पास लेयर हम लोग जो है नदी को, नदी में सफा किए थे, तो अभी जो है इसको यहाँ पे सफा कर रहे हैं। तो इसको और भी धुलाना पड़ेगा, सफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है पानी अवेलेबल है, तो इसको से हम लोग दो टुकड़े करेंगे इसको, नहीं तो जल्दी मतलब पक नहीं जाएगा, टाइम लगेगा इसको पकने में, इसको हम लोग जो है दो टुकड़े करना पड़ेगा। और ये रहा मेरी कजिन है दुनिता,
ना दुनिता, हेलो हाय कर दो दुनिता। ये देखिए शर्मा रही है, पाकिस्तान कैमरे पे आ रहे हैं ना दुनिता, इसका नाम दुनिता है। हमें तो आग जलाने के लकड़ियाँ चाहिए, तो यहाँ पे जो है बहुत लकड़ियाँ मतलब रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं कुछ लकड़ियाँ लेके वहाँ पे आग जलाऊंगा और यहाँ पे जो है इसको सफाई करेंगे अभी बिल्कुल पानी से, इसमें पानी भी कमी नहीं है इसमें। यहाँ पे सुबह जो है वो आग जला रहा है प्लास्टिक से, और इसको जो है मैंने रखा है इसको मतलब आँख में ऐसे जला के खाएंगे इसको, आँख में जला के खाने से बहुत इसका स्वाद है ना और भी मतलब ज़्यादा अच्छा होते हैं इसका स्वाद, तो इसलिए मैंने इसको रखा है ऐसे आँख पे जला के खाने के लिए। तो इसको ऐसे पानी में बॉईल कर रहा है। यहाँ पे जो अभी हम लोग नमक, थोड़ी सी नमक डालेंगे, हल्दी भी डालना पड़ता है, हल्दी नहीं चाहिए, तो हल्दी नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोग यहाँ पे जो है नमक डालेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं रेखा जो है वो नमक लाई है अपने घर से, और एक ढक्कन यहाँ पे हम ढकने के लिए, तो जल्दी से मतलब इसको ढकने से जल्दी से मतलब पक जाता है बिल्कुल इस तरह से। अभी आग भी बहुत बढ़िया से जल रहा है, तो अभी जो है मैं इसको कच्चे आग में ऐसे आग में देखे इसको जला के खाऊंगा, अकेले तो नहीं खाऊंगा, सबको बांटूंगा जितना भी मिलेगा, खच्चे भी खा सकते हैं। आपने देखा होगा ना वो सुबह नदी पे जाके मतलब खच्चा खच्चा खा रहा था, लेकिन ये खच्चा खाने से ना उसका पेट भी खराब हो सकता है एकदम, वो पेट ना गुटु गुटु खा सकता है, इसलिए इसको कच्चा खाना नहीं है, बिल्कुल कच्चा नहीं खाना इसको, इस तरह से बिल्कुल ऐसे आँख में देना है हल्का हल्का। ओहो गिर गया, कोई नहीं इसको ऐसे जल जाएगा ये। और यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे प्यारे से कजिन यहाँ पे जो झूल रही है एक अपने छोटी सी जुल्हा पे, वाह इतना ननी से प्यारी सी लग रही है ना, अभी यहाँ पे देख सकते हैं रोसी से बना हुआ है एक्चुअली ना, ये आंटी जो है वो बना दिया है ये इसके लिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये पूरा जल चुका है, तो इसको ऊपर का जो जल गया है ना उसको मतलब वो निकालेंगे, उसके बाद वो अंदर का जो है ना उसको खा सकते हैं, एकदम पक चुका है ये भी। तो अभी इसको हम लोग साकू से या कुछ मतलब हाथ सीट से हम लोग इसको निकालेंगे, ये वाला जो जल गया है ना उसको। बहुत ही गर्म है, ये देखिए वाह जल गया है, वाह बहुत गर्म है यार। तो यहाँ पे जो है दो बच्चे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग बच्चे को बांटेंगे ये आलू, वहां पे देख सकते हैं बच्चे को बांट रही है, बहुत गर्म है, गरम लग रहा है। ओह और यहाँ पे देखिए दोस्तों टेस्ट करता हूँ, बहुत ही गर्म है, बॉयल से ज़्यादा ये अच्छे होते हैं दोस्तों, जो आँख में जलाए हुए ना वो सबसे अच्छे होते हैं, तो हालांकि ये थोड़ा गंदे होते हैं लेकिन चल जाता है ना, भी गंदा नहीं है। तो इसको सुबह को देता हूँ मैं, सुबह से खा लो तुम, देख सकते ये भी होने वाला हो गया। ऊपर में घर में आंटी है और वहाँ में जो है एक बाय है, तो उसको भी दे देंगे, देख सकते बड़ा सा कतरा लाया है यहाँ पे रेखा, तो इसको हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, ये देख सकती है ऑलरेडी पक चुका है, पानी को जो फेंकना पड़ेगा, बिल्कुल एक एक पीस निकालेंगे यहाँ से बर्तन से, वो हम लोग पूरा मिल बांट के खाएंगे। और आंटी जी जो है ना वो घर पे है, उसको भी दे देंगे, और अंकल तो कहीं चला गया उसको, उसके लिए भी रख देंगे। तो यहाँ पे जो है वो आंटी और अंकल के लिए यहाँ पे हम लोग रख देंगे, चलो खाओ खाओ बैठ के खाओ, आराम से बैठ के खाओ, मैं तो ना सुबह, अरे बैठ के खाओ ना यार। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम लोग खाने के प्रोग्राम शुरू हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं कैसा लगा भाई, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया ना, बहुत टेस्टी है, थैंक यू। और यहाँ पे देख सकते हैं सुबह भी खा रहा है हम पे, ओ रेखा मैं बढ़िया, चलो आ जाओ तुम लोग भी, आ जाओ आ जाओ, वहाँ पे देख सकते पट्टे से लोग बांध रही है, गर्म है ना वो, एकदम बढ़िया से लोग को देखिए, एकदम प्यारे लग रहे दोनों को। मैं भी टेस्ट करता हूँ बैल क्या वाला सोता वाला, सबसे सोता वाला थोड़ा गर्म है अभी, नमक तो बढ़िया डाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक बच्चे और आया है, चलो आजा बेटा आजा, ऐसा बेटा ऐसे खा लो आलू, हाँ ले लो, गर्म लगे उसको, ठंडा है इसका, एक पट्टा लाना वहाँ से, हाँ वो देखो बच्चे जो है वो लाने गया है इसके लिए, वो पट्टा लाने गया ये प्यारे से,
बेनीता, तो यहाँ पे है उसको दे दिया पट्टी से, गर्म है ठीक है स्टिक चिपको की। हाँ बिल्कुल इस तरह खाना सही है ना। इसका स्वाद है ना बहुत ही अच्छे है और मीठा भी है थोड़ा सा। इसको ऐसे खाना है, हालांकि बहुत ही ज्यादा गर्म है तो गर्म को सहने के लिए मैं तैयार हूँ। सुपर, बहुत ही अच्छा है इसका स्वाद। देखो ना तुम ज्यादा डरा रहे मुख में ना। तो हम लोग तो आलू भी पूरा खा चुका है, एकदम पूरा फैट भर गया है। आप लोग देखा है वीडियो में, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत उसका स्वाद है ना बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों हमारे गांव के मतलब जिंदगी इस तरह की चलते रहते हैं, इस तरह का होता है हम लोग का गांव की जिंदगी। मतलब नए नए ऑर्गेनिक चीज खाने को मिलता है हमारे यहाँ गाँव पे, बहुत ही अच्छा लगता है ये। एक्चुअली ना दोस्तों ये जो आलू हम लोग खाए थे ना, ये साल में एक बार इस तरह का आलू हम खाने को मिलता है, क्योंकि जो है ना विंटर सीजन में ठंडे सीजन में इसको मतलब खाने को मिलता है। अभी जो है शुरुआत हो चुका है इसका आलू निकालने में, अभी मतलब बहुत ही टाइम है निकालने में, तो अभी जो हम लोग फर्स्ट टाइम अभी शुरुआत हो चुका है हम लोग खाए थे। तो दोस्तों मैं ब्लॉगिंग करते करते जो है ना मेरे तीसरे बच्चे भी आ चुके हैं और भी आने वाले हैं, दो बच्चे ऑलरेडी पहुंच गए हैं यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे इंतजार कर रहे हैं, आ रहा हूँ ठीक है। तुम लोग बैठो और भी आने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा, अगर वीडियो को पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलेंगे कल और अच्छे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।